why would you celebrate 18th april 1st january 31st may 26th june these are the some most important national and international days events which are of national and international importance those who are preparing for any competitive exam or entrance exam they are going to face at least more than one to two national and international list. at least one question will be there in your entrance or competitive exam so guys this is the very important part of your question uh, if one mark is also uh, have the same weightage whatever the marks of 100 marks because 1 plus 1 is equal to 2 similarly 1 is if 1 is deducted from 100 it is 99 so uh, let us guys start this video with your preparation key आज हम बात करेंगे जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस डे के बारे में सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ए न्यू होप प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड शेयर दिस वीडियो लेटेस्ट स्टार्ट दिस वीडियो हमारा जो सा मौत जो नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस डे बहुत सारे हैं, लेकिन uh, एक बात आपको ध्यान में रखना है कभी कभी हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है जिस एग्जाम के लिए जैसे कि कोई आई बी की तैयारी कर रहे हो कोई बैंकिंग के लिए कोई रेलवे के लिए वो सिर्फ उसी डेट को ही फॉलो करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि आप जो डेट को इम्पोर्टेंस नहीं समझते हो इम्पोर्टेंट नहीं देते हो वो भी आपको क्वेश्चन में कहीं बार आते हैं तो गाइस प्लीज डू नॉट स्किप एनीथिंग एल्स वॉच टिल द एंड एंड यू वुड लाइक टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स एंड प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग्स विद अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपोर्टेंस डे वी ऑल्सो हैव द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स रिलेटेड डेट एंड रिलेटिव मिनिस्ट्री सो गायज वॉच टिल द एंड फोर्थ जनवरी हुच इज़ नोन एज द वर्ल्ड वैली डे ठीक है देन 9 जनवरी एन आर आई डे प्रवासी भारतीय दिवस देन जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे जो कि बहुत बार क्वेश्चन में आता है जो 9 जनवरी एंड 10 जनवरी देन ट्वेल्व जनवरी ये भी क्वेश्चन में और एक स्ट्रैटेजी है जब भी आपके फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो डिसम्बर के मंथ में कोई आ, जो लगभग आसपास का कोई मंथ की भी आ, इंटरनेशनल नेशनल इंपोर्टेंट डे वो भी आते हैं क्वेश्चन में ये भी आपको ध्यान में रखना है जो डेट का जो महीने का आप एग्जाम दे रहे हो द मंथ यू आर गोइंग टू इन योर एग्जाम एनी एग्जाम सो प्लीज डू रिमाइंड ऑल द डेट रिलेटिंग टू दिस मंथ एंड प्रीवियस थ्री फोर मंथ दिट इज यूल ऑल्सो इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज ओके देन ने जनवरी नेशनल uh, यूथ डे जो कि ट्वेल्व जनवरी बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद जो कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे को जन्मदिन को हम नेशनल यूथ डे के तरह पालन करते हैं जो कि है जनवरी दिन, फिफ्टीन जनवरी आर्मी डे ट्वेंटी फोर जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि आ, एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिलेटिव न्यू लॉ पास हुआ है कोई भी रिलेटिव आ, कोई ओमेन इशू सेंट्रिक इशू चल रहे है उस टाइम तो ये हो सकती है क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए ओके okay. देन 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे 26 जनवरी इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी uh, जो हमारे रिपब्लिक डे होते हैं ठीक है देन 27 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन ऑफ इन मेमोरी मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट देन ट्वेंटी एट जनवरी वर्ल्ड लेपोर्स डे जो कि हमारे बहुत बार भी क्वेश्चन में आया इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डे फॉर अस फेब्रुआरी के महीने में महीने में क्या है टू फेब्रुआरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे चार फेब्रुआरी को आपकी वर्ल्ड कैंसर डे सिक्स फेब्रुआरी को आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिशियल मल्टीनेशन मल्टीलेशन मोटिलेशन देन इलेवन फेब्रुआरी को आपका क्या इंटरनेशनल डे ओमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये भी एक बात है एग्जाम की आ, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही डिपेंड करता है क्या नेशनल इम्पोर्टेंस डे का क्वेश्चन आ सकती है जैसे कि कोई आप जेंडर स्टडीज के लिए अपेयर कर रहे हो या कोई भी इससे रिलेटेड कोई जॉब या पोस्ट के लिए आप आ, अप्लाई कर रहे हो तो हो सकती है कोई भी डेज रिलेटेड टू तो ओमेन सेंट्रिक ओमेन इशू देयर एम्पावरमेंट रिलेटिंग टू तो लेडी तो ओमेन देर माइट बी आस्क दिस क्वेश्चन सो गाइज प्लीज टू रिमेम्बर Uh, the nature and objective of the uh, exam you are going to appear wo bhi important hai aapke liye then uh, 12 february national productivity day 13 february world radio day 20 february world day of social justice ye bhi bahut baar hoti hai कोई भी आप एग्जाम uh, uh, खत्म हो गया रिटिन एग्जाम आपकी इंटरव्यू हो कोई भी भाई बाब हो आप अगर कोई उस फील्ड का रिलेटेड क्या डेट है वो पूछ सकते हैं तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट ये एक जनरल नॉलेज है जनरल अवेयरनेस है हमको इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये बहुत छोटी बात है कि कोई जैसे कि वर्ल्ड रेडियो डे कोई अगर रेडियो में काम करना है या टेलीविजन रिलेटेड कोई इंटरव्यू दे रही है तो यू हैव टू सर द बेसिक थिंग्स अबाउट रिलेटेड टू रेडियो देन ट्वेंटी फेब्रुआरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ठीक है Then 20 ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रुआरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मातृभाषा दिवस अंतरजातीय मातृभाषा दिवस ट्वेंटी टू विश्व भावना दिवस 28 फरवरी नेशनल साइंस डे हमारा साइंस डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि कोई साइंस रिलेटेड एंट्रेंस हो एग्जाम हो या कोई स्कूल बेस्ड सेल अगर कोई एंट्रेंस दे रही है एडमिशन के लिए वो भी आ सकती है पूछ सकते हैं आपको देन uh, मार्च के महीने में फर्स्ट मार्च क्या है हमारी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे थर्ड मार्च क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमारा जो वन्य जंतु विश्व वन्य जंतु दिवस जो देन थर्ड मार्च में और क्या है वर्ल्ड हियरिंग डे देन एट मार्च में क्या है हमारे इंटरनेशनल वोमेन्स डे ये तो बहुत फैमिलर uh, है तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं फिर भी क्वेश्चन आते हैं ठीक है ठीकी? मार्च के विश्व अंतरजातीय महिला दिवस जो कि एट मार्च है एट मार्च में और क्या है वर्ल्ड किडनी डे देन ट्वेल्थ मार्च कॉमनवेल्थ डे फिफ्टीन मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे देन हमारा सिक्सटीन मार्च वर्ल्ड स्लीप डे जो कि हमारे हेल्थ के लिए हेल्थ रिलेटेड कोई Uh, अगर एग्जाम दे रहे हो ये क्वेश्चन आ सकती है कि स्लीप कब है आपकी किडनी डे कब है आपकी देन ट्वेंटी मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस देन ट्वेंटी मार्च वर्ल्ड स्पावर डे ट्वेंटी वन मार्च इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन देन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट विश्व अंतर वन दिवस जो होते हैं हमारे देन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे

टेस्ट यूर आंसर बिकॉज यू हैव सम आइडिया अबाउट द जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स सो इस रिलेटेड डे रिलेटेड के अनुसार भी बहुत सारी थीम्स होते हैं अभी तो वो थीम भी क्वेश्चन में आ सकती है आपको वो भी याद रखना है सो यू शुड हैव टू रिमेम्बर द थीम ऑफ द करेंट इयर रिलेटेड थीम टू द पर्टिकुलर डे इट इज ऑल्सो है इंपॉर्टेंट टू योर क्वेश्चन ओके देन ट्वेंटी थर्ड मार्च वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे

इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टीम्स ऑफ लाइबेरी एंड ट्रांसलेटिंग ट्रांस अटलांटिक सेल्ट्रेट ठीक है हमारे और देन ट्वेंटी सेवन मार्च वर्ल्ड थिएटर डे देन टू मार्च अप्रिल वर्ल्ड अट्टिजिम अवरनेस डे फोर्थ अप्रिल नेशनल डे ऑफ माइन अवेरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन ठीक है देन फाइव अप्रिल नेशनल मैरिटाइन डे सेवन अप्रैल में क्या आपके वर्ल्ड हेल्थ डे जो okay, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा सेवन अप्रैल में जो कि रिलेटेड कोई हेल्थ रिलेटेड एग्जाम हो कोई भी मेडिकल हो या कोई भी आपके उसी के रिलेटिव एग्जाम uh, हो तो इट माई बी हैव सम इम्पोर्टेंस यू शुड रिमेम्बर द वर्ल्ड हेल्थ डे देन टेंथ अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे इलेवेंथ अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे इलेवेन अप्रैल नेशनल पेड डे देन सेवेंटीन अप्रैल वर्ल्ड हेमोफिलिया डे एटीन अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे जो कि विश्व ऐतिहा दिवस है ये भी बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए ये क्वेश्चन भी आ सकती है देन नाइन्टीन अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल सिविल सर्विस डे ट्वेंटी टू अप्रैल वर्ल्ड यार्थ डे ट्वेंटी थर्ड अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नेशनल पंचायत राज दिवस uh, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार बहुत क्वेश्चन में जो कि रिलेटेड टू अर कोई भी अरबान एग्जाम जैसे कि आप एन आर एल एम के एग्जाम का को हो कोई भी आ, प्रोजेक्ट बेस रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या अर्बन डेवलपमेंट बेसिक्स प्रोजेक्ट का एग्जाम कहो वो बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं एंड ट्वेंटी फाइव अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे ट्वेंटी सिक्स अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ट्वेंटी एट अप्रैल में क्या है हमारी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क देन ट्वेंटी एट अप्रैल वर्ल्ड वेटरनरी डे ट्वेंटी सॉरी थर्टी अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस ठीक है देन मे में मे फर्स्ट में इंटरनेशनल लेबर डे जो अभी हमारे गई फर्स्ट अप्रैल इंटरनेशनल विश्व अंतर्जातीय श्रम दिवस ठीक है देन फर्स्ट में वर्ल्ड अस्थमा डे थर्ड में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एथ में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इलेवेंथ में नेशनल टेक्नोलॉजी डे ट्वेल्थ में इंटरनेशनल नर्सेस डे ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है अभी इसको शायद गवर्नमेंट किस तरह पालन करे पता नहीं लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज कोविड के टाइम पर जब भी आ, कोई भी क्वेश्चन आ सकती है क्योंकि अभी रोल ऑफ नर्सेस एंड डॉक्टर्स आर वेरी मच हायर एंड प्रायर देन द प्रीवियस डेज बिकॉज इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन दे आर प्लेइंग द फ्रंटलाइन दे आर प्लेइंग द फ्रंटलाइन एक्टर्स सो वी शुड रियली अप्रिशिएट ऑल दिस डे रिलेटेड टू देम ओके ट्वेल्व में इंटरनेशनल नर्सेस डे देन फिफ्टींथ में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो कि परिवार के लिए सेवेंटीन uh, में वर्ल्ड हाइपर टेंसन डे जो कि रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ ठीक है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कोई ज़्यादा एंजाइटी uh, हो कोई भी हाइपर टेंशन टेंसन हो जाते हो तो इट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड हेल्थ इश्यूज तो आपको याद में रखना है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे देन सेवेंटीन में और क्या है एक um, इंटरनेशनल डे इग्निस्ट होमोफोबिया ट्रांसफोबिया एंड पीफोबिया इट्स आल्सो रिलेटेड टू सम फिजिकल एंड सम हेल्थ इशूज सो यू शुड हैटीन में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे देन एटीन में इंटरनेशनल म्यूजियम डे ट्वेंटी टू में क्या है आपके मे में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डिवर्सिटी जो हमारे जैविक विविधता होते उसी के हिसाब से हमारा अंतर्जातिक जैविक विविधता दिवस ट्वेंटी नाइन में क्या है आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पिकअप की पिक पी, की पीस कीपर्स ठीक है जो शांति के रक्षक है उन लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो डे मनाए जाते हैं वो है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स थर्टी फर्स्ट में एंटी टबाको डे जो कि एक बहुत बड़ी इशू है हमारे लिए एंटी टबाको 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 कजेस्ट कैंसर इट नोज बाई एवरी वन बट स्टिल दे आर कंज्यूमिंग टबाको रेगुलरली इन दिस पांडेमिकीरियडाको सो रिलेटिंग टू हेल्थ इश्यू एंटी टबाको डे इज ऑल्सो है इंपॉर्टेंस फॉर अर्स सो उसके बाद हमारे जून uh, थर्ड जून में क्या है वर्ल्ड बाइसाइकल डे फिफ्थ जून में क्या है वर्ल्ड एनवेंटल डे बहुत बार ये क्वेश्चन आया है हमारे एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में विश्व परिवेश दिवस ठीक है इसको आपको याद रखना है एट जून वर्ल्ड ओशंस डे ट्वेल्व जून वर्ल्ड डे एग्नेस चाइल्ड लेबर दिस इज ऑल्सो अन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस क्योंकि जो डे एग्नेस चाइल्ड लेबर्स शिशु श्रमिक के विरोध के दिवस जो होते हैं इट है इंपोर्टेंस जून में पाँच अप्रैल सॉरी फाइव जून एंड ट्वेल्व जून हैव सम इम्पोर्टेंट सो यू शूड हैव टू नोट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट डे देन थर्टीन जून इंटरनेशनल अब्यूनिजम अवेरनेस डे फोर्टीन जून वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे फिफ्टीन जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेरनेस डे देन सेवनटीन जून वर्ल्ड डे टू कमबैक डिजटिफिकेशन ट्वेंटी जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ट्वेंटी वन जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगो ठीक है ये अभी अभी हुआ है एक नया डे है इट इज यू नो फस्ट प्रपाउंडेड बाय अवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सो यू शुड हेव टू अल्सो रिमेम्बर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल योग डे सो इट इट्स रियली इम्पोर्टेंट सो यू शुड हैव टू रिमेम्बर ट्वेंटी फर्स्ट जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ट्वेंटी थर्ड जून युनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ट्वेंटी फाइव जून डे ऑफ सिफरर

जो गलत इस्तेमाल करते व्यवहार करते और इसका जो चालान करते उसी के हिसाब से इसको विरोध करके इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 26 जून को एंड ट्वेंटी नाइन जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ओके ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए 29 जून फास्ट जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे ये भी आपके लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है तभी भी थी पहले से अभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी का टाइम पे हमारा जितना भी रिकार्डस आन ग्रैटिट्यूड है डॉक्टर्स के लिए नर्सेस के लिए आपको ये मायने रखते हैं कि ये डे को आप कैसे उसको डेडिकेट करें तो दो डॉक्टर हु आर डेडिकेटिंग देयर लाइफ टू अस ओके सो यू शुड हैव टू रिमेम्बर दिस डे देन सेवन जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिस् इलेवन जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेवेंटीन ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए इलेवे जुलाई देन जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ट्वेंटी एट जुलाई वर्ल्ड हेपाटेटिस डे थर्टी जुलाई वर्ल्ड डे एग्स ट्राफिकिंग इन अगस्त देन अगस्त में क्या है नाइन अगस्त में आपके इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपुल तो जो कि लाइक ट्राइबल्स और टू ठीक है थीके? जो कि उस लोगों को हम इंडिजिनियस कहते हैं दोज आर रियली ओरिजिनल पीपुल वी आर ऑल्सो ओरिजिनल बट दिस इज इन द सिविलाइजेशन प्रोसेस द्राविडन मंगोलियन मेनी रेसियल ग्रुप्स बट द इंडिजिनियस पीपल द ट्राइबल पीपल सम ट्राइबल्स आर इंडिजिनियस दे आर ओरिजिन ऑफ द लैंड सो इट इज द डे फॉर ओरिजिनल इनहैबिटेट्स ओके अगस्त नाइन देन ट्वेल्व अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे देन uh, आपके सॉरी uh, जो हमारे इंटरनेशनल यूथ डे है सर ट्वेल्थ अगस्त वो इज रिलेटेड तो टू द बर्थडे ऑफ uh, हमारा um, स्वामी विवेकानंद जी ठीक है नाइनटीन अगस्त वर्ल्ड ह्यूमानिटेरियन डे ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेकेंड सेप्टेम्बर वर्ल्ड ककॉनर डे देन एट सेप्टेंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे फिफ्टीन सेप्टेंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सिक्सटीन सेप्टेम्बर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर वर्ल्ड अलजेज डे ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो कि डिजाबल लोगों के लिए है डिजाबल चिल्ड्रन के लिए साइन लैंग्वेज दैन ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर वर्ल्ड मैरिटन डे ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर वर्ल्ड टूरिज्म डे ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर वर्ल्ड रेविज डे ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर वर्ल्ड हार्ट डे ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हार्ट डे थर्टी सेप्टेम्बर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 1st October International Day of Older Persons, uh, 5 October oh, World well, Teachers Day, then 9 October wall Post Day, 10th October World well, Mental Health Day, okay? then 11th October International Day of girl which is also important for us, uh, 13th October International Day for Disaster Reduction, 14 October International Standards Day, फिफ्टीन अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल ओमेन सिक्सटीन अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस और सेवेंटीन अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर इेशन ऑफ पबी हम कैसे दरिद्रता को दूर करें उसके लिए हमारा सेवेंटीन अक्टूबर को माना जाता है वो एक दिवस के रूप में ट्वेंटी अक्टूबर वर्ल्ड डे अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे डे इट इज ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट कॉस ट्वेंटी फोर अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे हेल्थ इश्यू रिलेटेड क्वेश्चन ट्वेंटी अक्टूबर वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज थर्टी फर्स्ट अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे नवंबर में क्या है आपकी नवंबर में है आपकी वर्ल्ड सुनामी डे नवंबर सात में क्या है आपकी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सुनामी डे कितने कौन से दिन में है फाइव नवम्बर में नाइन्थ नवंबर में क्या है आपकी लीगल सर्विस डे फोर्टीन नवंबर चिल्ड्रेंस डे जो कि डायबिटीज डे भी माना जाता है और uh, सेवेंटीन में आपकी क्या है नवम्बर नेशनल एप्लीप्स डे टेंथ अक्टूबर में क्या आपकी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इलेवेंथ अक्टूबर में क्या है आपकी इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड टेंथ अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ये तो हो गया आपके अक्टूबर नवंबर भी हो गई थी ओके नवंबर ट्वेंटी में क्या आपकी अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर में टेलीविजन डे नवंबर ट्वेंटी नाइन में क्या आपकी डे ऑफ सॉलिडरिटी डिसम्बर में क्या है फर्स्ट हेल्थ वर्ल्डेंट दूसरे क्वेश्चन में आ सकती है वर्ल्ड एड्स डे कभी ठीक है देन आपके क्या है ट्वेंटी टू डिसम्बर में क्या है आपकी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे थर्ड डिसंबर में वर्ल्ड डे फॉर देंडी कैप्ड फोर दिसंबर इंडियन नेवी डे और सेवेन दिसंबर में इंडियन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे टेन दिसंबर में ह्यूमन राइट डे इलेवेन दिसंबर में इंटरनेशनल माउंटेन डे फोर्टीन दिसंबर में वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे सबसे इम्पोर्टेंट सिक्सटीन दिसंबर में विजय दिवस एटीन दिसंबर में माइनॉरिटीज राइट डे ट्वेंटी टू डिसम्बर में आपकी नेशनल मैथमेटिक्स डे गणित दिवस देन ट्वेंटी थर्ड किसान दिवस या फार्मर्स डे डिसम्बर नेशनल कंज्यूमर डे आपके ट्वेंटी दिसंबर डिसम्बर ये हो गई आपकी सारी डिटेल्स अबाउट द नेशनल इंटरनेशनल डेज रिलेटिंग हम कैसे पालन करते आ, कौन सी तारीख से कौन सी डे रिलेटेड है उसके बाद हम देखेंगे फिर हमारे स्कीम्स मिनिस्ट्री डेट ऑफ लॉन्च कब हुआ था कौन सी सेक्टर में हुआ था प्रोविजन क्या है अटल पेंशन योजना जो, जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की है 2015 में हुआ था एक पेंशन रिलेटेड स्कीम है उन्नत जीवन जो कि बचत लैंप योजना जो होते हैं हमारे बाय अफोर्डेबल एलईडी बचत लैंप जो है हमारा उज्जला योजना एलईडी एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो 2000 फिफ्टीन में हुआ था इलेक्ट्रीफिकेशन के सेक्टर में हुआ था रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेविंग कंपाक्ट फ्लोरिशेंट लैम्प देन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में क्या हुआ था हमारे दीनदयाल डिजेबल रिहाबिलिटेशन स्कीम जो हुआ था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू क्रिएट एन एनावलिंग एनरोमेंट टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्विटी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिजेबिलिटी देन हमारे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है वो टू थाउजेंड फर्टीन में लॉन्च हुआ था रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए इट इज द गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया टू प्रोजेक्ट टू एनगेज रूरल यूथी बी पी एल एंड एस एस टी स्टेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट थ्रो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम देन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में क्या हुआ था हमारे डिजिटली एम्पावर्ड नेशन टू थाउजेंड फिफ्टीन में ये लॉन्च हुई थी जो हमारे इट एम्स टू एनसीओ दैट गवर्नमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकल एंड पीपुल्स केयर बेनिफिट फ्रॉम द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देन ग्रामीण बंदरान योजना मिनिस्ट्री ऑफ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है 2007 में हुआ था एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट में ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तो uh, दोज uh, एव बार सो मनी इंपोर्टेंस जैसे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम हो यजला योजना हो उन्नत जीवन अटल पेंशन सो गायस प्लीज टेट विल कमिंग विथ नेक्स्ट वीडियो विच आर सम इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम यू आर गोइंग टू अप्यूर प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो थैंक यू गायज स्टेसेप stay होम